हेलो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे वेज कटलेट। इसके लिए मैंने एक कैप्सिकम लिया है, इसको हम आधा कट कर लेंगे और आधा डालेंगे इसके अंदर। ये रेड कलर का लिया है जिससे इसका कलर और अच्छा आएगा। ये दो ग्रीन चिली ली है, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन और 2 प्याज लिए हैं मैंने। पहले हम चॉपर में इसको डाल के चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। चॉपर से करना थोड़ा आसान हो जाता है। ये हमारे चॉप हो गए हैं अच्छे से। अब हम एक पतीले में ऑयल गरम करने के लिए रखेंगे। जब हमारा ऑयल गरम हो जाएगा तो इसके अंदर थोड़ी सी चुटकी पर हींग डाल देंगे। जब हमारी हींग फूटने लगेगी, जो हमने चॉप किया है प्याज वगैरह को, उसको इसके अंदर डाल लेंगे। जब तक हमारी प्याज ट्रांसपेरेंट होती है तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। इसको हमें बिल्कुल स्लो आंच पे रखना है ताकि ये जल न जाए। अब हम इसके अंदर ये मैंने पार्बल गाजर और मटर को रखा है, इसको इसके अंदर डाल लेंगे। तो इसको अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसके अंदर रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस बंद कर लेंगे। ये मैंने एक बीटरूट को और आलू को पहले से उबाल के रखा था। अब हम इसको मैशर की मदद से थोड़ा सा मैश कर लेंगे ताकि कटलेट बनाते वक्त इसके अंदर दाने दाने ना आए। ये हमारा अच्छे से मैश हो गया है। अब हम इसके अंदर जो ये हमने प्याज की ग्रेवी बनाई थी इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसके अंदर बाकी के मसाले डालेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर बेसन डालेंगे। इसको चला लेंगे। बेसन के इसके अंदर जो पानी या मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। जब ठंडी हो जाए तब मैंने ऐसा इसको सेक दे दिया और इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। और फ्रिज में निकालने के बाद ये मैंने कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पतली सी स्लरी बना ली। बहुत गाढ़ी नहीं बनानी है, बिल्कुल पतली सी स्लरी बनानी है इसकी। और ये मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स लगाए हैं इसके ऊपर लगाने के लिए। पहले हम कटलेट को कॉर्नफ्लोर में डीप करेंगे। फ्रिज में रखने की वजह से ये थोड़े से हार्ड होते हैं तो इसको हैंडल करना थोड़ा इजी हो जाता है।
और दोनों तरफ अच्छे से लगा लेंगे और ख्याल रखेंगे कि इसका शेप बिगड़ ना जाए। जब अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाएगा ब्रेड का, तब मैंने तवा पहले से थोड़ा गर्म करके रखा था, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसके ऊपर ये कटलेट डाल देंगे। पहले से ही ज़्यादातर इसके इंग्रेडिएंट्स पके हुए हैं, इसलिए ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो जाए दोनों तरफ तो इसका थोड़ा क्रंची टेस्ट आता है और टेस्ट में खाने में अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए स्लो फ्लेम पर ही इसको हल्का सा ब्राउन हम कर लेंगे।